आज हम आप सभी के लिए यूलांजी का ब्लूटूथ वायरलेस माइक्रोफोन का रिव्यू लेकर आए हैं, जहां पे इसकी हम अनबॉक्सिंग और इसकी माइक टेस्टिंग और ये बैकग्राउंड के नॉइज को किस तरह से कैंसिल करता है और इसको अगर आप बाय करते हैं तो आपको इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, सारी चीजों के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखेगा। तो चलिए सबसे पहले इस बॉक्स को हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको बॉक्स के ऊपर साइड यूलांजी का एक लोगो देखने को मिलता है और यहाँ पे यूलांजी जो ब्लूटूथ वायरलेस माइक है उसका सिंबल देखने को मिलता है और ये J12 का वायरलेस माइक्रोफोन का सीरीज है, तो यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। और ये माइक्रोफोन हमने आईफोन के लिए ऑर्डर किया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आईफोन में जो पिन लगता है वहाँ पे शो कर रहा है। और इसकी हम रेंज की बात करें तो आपको 10 से लेके 20 मीटर तक डिस्टेंस देखने को मिलता है और इसमें आपको दो माइक्रोफोन्स और एक रिसीवर देखने को मिलता है और इसमें 3 लेवल नॉइज रिडक्शन भी देखने को मिलता है। और इसकी हम बैटरी लाइफ की बात करें तो आपको 6 आवर्स की बैटरी लाइफ देखने को मिलती है और साथ ही में हम ट्रांसमीटर की बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 80 mAh का बैटरी कैपेसिटी मिलता है और इसकी चार्जिंग केस की बैटरी कैपेसिटी आपको 800 mAh की देखने को मिलती है। तो बॉक्स को ओपन करने पे आपको ये यूलांजी का आपको यहाँ पे देखने को मिलता है बॉक्स और इसके अंदर यहाँ पे एक और ये दो माइक्रोफोन देखने को मिलते हैं और यहाँ पे ये एक रिसीवर देखने को मिलता है। तो इसको हम रखते हैं साइड में और इसके अंदर आपको ये प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है और इसका यूजर मैनुअल जो कि किसी दूसरे भाषा में लिखा गया है और इसको हम रखते हैं साइड में और इसके अंदर आपको एक डाटा केबल देखने को मिलता है। बस आपको यहाँ पे इतनी ही चीज़ें देखने को मिलती है। तो चलिए अब हम इसकी साउंड की टेस्टिंग देखते हैं कि इसमें किस तरह से साउंड निकल कर आता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिसीवर है, आप देख सकते हैं इसमें आईफोन में जो पिन लगता है वो दिया है। यहाँ पे हमारे पास आईफोन है तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आपको सिंपली इसके यहाँ पर प्लग कर देना है। प्लग करने के बाद ये ऑटोमेटिक इसमें आप दो रिसीवर होता है जिसको ऑन करेंगे वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे रिसीवर में आपको साइड में बटन देखने को मिल जाता है, ऊपर की ओर माइक और यहाँ पे एक चार्जिंग करने के लिए पोर्ट देखने को मिलता है और यहाँ पे ऑटोमेटिक जब बॉक्स में इसमें रख देंगे तो ऑटोमेटिक चार्ज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक यहाँ पे कॉलर में फंसाने के लिए दिया है, तो चलिए अब हम इसको ऑन करते हैं। ऑन करने पे यहाँ पे ग्रीन और रेड कलर का लाइट ब्लिंक करता है जैसे ही, लेकिन कनेक्ट होगा उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कलर का लाइट ब्लिंक करने लगता है और उसके बाद इसके लेवल अगर एक बार इसको प्रेस करते हैं उसके बाद एक बार लाइट ब्लिंक करेगा, मतलब कि इसका जो साउंड का क्वालिटी है आपको 1 लेवल का नॉइज कैंसिलेशन देखने को मिलेगा। इसको फिर अगेन दोबारा दबाते हैं आप एक बार तो यहाँ पे 2 बार लाइट ब्लिंक करेगा, उसके बाद यहाँ पे नॉइज कैंसिलेशन का 2रा लेवल शुरू हो जाता है। अगर इसको फिर से प्रेस करते हैं तो यहाँ पे 3 बार लाइट ब्लिंक करता है और इसका 3rd नॉइज कैंसिलेशन लेवल शुरू हो जाता है। उसके बाद करेंगे तो फिर से ये स्टैंडर्ड मोड पे आ जाता है जिसमें ये पूरा का पूरा नॉइज को कैप्चर करता है। ऑडियो आप सुन रहे हैं ये यूलांजी के माइक से रिकॉर्ड हो रहा है और इसको चलिए यहाँ पे हम प्लग कर लेते हैं, यहाँ पे कॉलर पे इस तरह लग गया। और उसके बाद यहाँ पे आप जो ऑडियो सुन रहे हैं यहाँ पे नॉइज कैंसिलेशन चालू नहीं है, यहाँ पे स्टैंडर्ड मोड पे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे और कुछ बच्चे शोर मचा रहे हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि बैकग्राउंड में जो नॉइज़ है उसको किस तरह से यहाँ पे मैनेज कर रहा है और मेरी जो साउंड है किस तरह से यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे अभी कोई भी नॉइज़ कैंसिलेशन चालू नहीं है, तो चलिए हम बटन को एक बार प्रेस करते हैं उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से साउंड आता है। तो यहाँ पे हमने लेवल 1 पे नॉइज कैंसिलेशन चालू कर दिया है। इधर से फिर से बच्चे कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं और बाहर से कुछ गाड़ियाँ जा रही हैं। आप सुन सकते हैं कि किस तरह से साउंड रिकॉर्ड हो रहा है या साउंड आ रहा है। चलिए अब हम इसको लेवल 2 पे शिफ्ट करते हैं। तो लेवल 2 पे शिफ्ट करने के लिए फिर से एक बार प्रेस करना पड़ेगा और यहाँ पे 2 बार लाइट ब्लिंक होगा, तो हमने लेवल 2 पे नॉइज कैंसिलेशन चालू कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और यहाँ पे हम कैमरा के सामने बोल रहे हैं, कुछ चिड़िया भी इधर से चहचहा रही हैं और इधर देख सकते हैं कुछ गाड़ियाँ जा रही हैं। तो आपको किस तरह से साउंड निकल कर आ रहा है आप इसमें सुन सकते हैं। अब चलिए हम इसमें लास्ट स्टेज मतलब कि 3rd लेवल पर नॉइज कैंसिलेशन को शिफ्ट करते हैं। तो ये हमने एक बार फिर से प्रेस किया है और यहाँ पे 3 बार लाइट ब्लिंक कर चुका है ग्रीन वाला। तो यहाँ पे अब वॉल्यूम आप सुन सकते हैं कि किस तरह से वॉल्यूम निकल कर आ रहा है। फिर से वही सिचुएशन है, पूरा का पूरा बच्चे इधर शोर कर रहे हैं और उसके बाद चिड़िया उधर से कुछ चहचहा रही है, इधर से गाड़ी जा रहा है, उसके बाद भी मेरा आपको साउंड किस तरह से निकल कर आ रहा है आप सुन सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूलांजी माइक का अब फार मतलब कि दूर का साउंड का टेस्ट करते हैं कि किस तरह अगर हम दूर जाते हैं तो वॉल्यूम इसमें क्लियर कितना आता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास लगभग उस दीवार से लेके
यहाँ तक के बीच का लगभग 10 मीटर है। तो हम पीछे जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से साउंड निकल कर आता है। तो आप यहाँ पे जो वॉल्यूम सुन रहे हैं, कैमरा से लगभग हम 10 मीटर आ चुके हैं पीछे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से साउंड निकल कर आ रहा है। तो अगर आप कोई वीडियो वगैरह शूट करना चाहते हैं, तो अगर दूर से आप कोई सीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि किस तरह से वॉल्यूम निकल कर आता है। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।